हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज संडे है, आज 22 तारीख है। आई गेस कितने भाई, आज 22 तारीख है ना, आज 22 तारीख है। और आज मीता जी और उसकी फैमिली वाले आने वाले हैं। और देखो मम्मी उन लोग के लिए क्या बना रहे हैं, डाबिली बना रहे हैं अपनी बेटी के लिए और बेटी के ससुराल वालों के लिए। अच्छा, उसकी रिक्वेस्ट थी, उसने रिक्वेस्ट की थी कि डाबिली बनाओ। वाह, अभी डाबिली का मसाला बन रहा है जो कि मेन होता है, बाकी तो बन तो ऐसे ही मिल जाते हैं बाजार में। और क्या बन रहा है मम्मी? फ्रूट सलाड। देखो यहाँ पे फ्रूट सलाड बन रहा है, ठीक है। ये है पोमग्रेनेट और यहाँ पे आंटी ड्राई फ्रूट्स वो कर रही हैं, बादाम। और तुम क्या कर रही है? वो तो किया हुआ ही है ऑलरेडी। मैंने किया है, मैंने ये सब किया है पहले से। ऐसे रेडी नहीं होती है। वेल डन, रेडी नहीं हुई गई यार। हाँ नहीं, ये रखूंगा मैं, ये रखूंगा। रेडी नहीं हुई हुआ। यार थंबनेल तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा और बहुत जन के मन में डाउट हुआ होगा कि भाई क्या ऐसा क्या हुआ होगा कि मयंक को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाना पड़ा। तो मैं आपको पहले से बताता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। तो परसों रात से कल दोपहर तक 3-4 अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आए, ठीक है। और वे 3-4 जन अलग अलग जन थे, मतलब आवाज़ सुन के लग रहा था अलग अलग लोग थे और अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहे थे। मतलब किसी का नेपाल से था, किसी का आंध्र प्रदेश से था, तेलंगाना से था। तो वो लोग एक ही बात बोल रहे थे कि आप परेशान क्यों कर रहे हो कॉल कर करके, ठीक है। मेरे को बोल रहे थे उल्टा, मेरे को बोलना चाहिए, बट वो लोग मेरे को उल्टा बोल रहे थे फ़ोन करके कि भाई परेशान क्यों कर रहे हो तुम मेरे को कॉल कर करके। तो फिर मैंने सबको यही बोला कि आप रॉन्ग नंबर हुआ होगा, ठीक है, गलती से आपने गलत नंबर डायल किया होगा, भैया मैं नहीं हूँ, कोई और होगा। तो पहला कॉल रात को आया तो मैंने ऐसा बोला, दूसरा कॉल नेक्स्ट दिन सुबह आया फिर तब भी मैंने ऐसा बोला और फिर ब्लॉक करता गया। और जब तीसरा कॉल आया और उसने उस बंदे ने भी सेम बात कही तो मेरे मन में भी डाउट क्रिएट हुआ कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। क्या मेरा नंबर हैक हुआ है या मतलब कोई मेरे साथ फिरकी ले रहा है, मतलब कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। तो मेरे मन में डाउट क्रिएट हुआ, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था इसलिए मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन कॉल किया वोडाफोन के और मैंने उन लोग को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। लोग मेरे को उल्टा झाड़ रहे हैं कि भाई मैं कॉल क्यों कर रहा हूँ, बट मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा, मैं उन लोग को जानता भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर अगर हैक हुआ होगा तो वो तो सर हम लोग के अंडर नहीं पड़ता, मतलब हम लोग इसका इस केस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो फिर मैंने घर पे भी बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो घर वाले भी बोले कि तुम जाके कंप्लेन लिखा के आ जाओ, ठीक है। फिर मैं गया साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में गया और मैंने वहाँ पर सब बोला ऑफिसर को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसी बात है। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले कहा कि देखो चांसेस हैं कि कोई तुम्हारा रिलेटिव या कोई रिश्तेदारी है, ठीक है, जो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा है या कोई ऐसे जानबूझ के कर रहा है। बट मैंने कहा कि सर देखिए मेरे साथ प्रैंक होते रहते हैं, ठीक है, कॉल आते रहते हैं, बट प्रैंक करने का एक वे होता है, तरीका होता है। और ये लोग मतलब जो कॉल आ रहे थे वो लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, गाली वाली दे रहे थे, तो सर मेरे को लगता नहीं कि ये प्रैंक है। फिर मैंने उनको कहा कि अगर सर रिश्तेदार है या कोई भी है, मतलब जो भी हो, ये फ़ोन करके तो मेरे को उससे गाली दे रहे हैं और इन फ्यूचर अगर ये लोग कोई इलीगल काम करते हैं मेरा नाम यूज़ करके, मेरा नंबर यूज़ करके, तो सर इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल ना हूँ, ऐसा कुछ करिए आप। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक रिपोर्ट लिखवाइए, ठीक है, और हम लोग इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो कोई भी होगा वो अगर वो अब से करेगा, ठीक है, तो हम लोग इसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं और इंक्वायरी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर आप करिए और मतलब मेरे को कोई फालतू के समय मेरे को फंसना नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया। और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, ठीक है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, अगर कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हो, ठीक है, कोई आपको परेशान करे, अगर कंटिन्यूस परेशान करे, तो डायरेक्ट आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाओ, कंप्लेन लिखाओ, वो लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। और उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बाकुड़ा के साइबर क्राइम ऑफिसर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर था और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और कल शाम से तो फिर कोई कॉल आ नहीं रहा अभी तक, आई होप कि अपना आए। और अगर कोई रिश्तेदार अगर कोई है, मतलब मेरा कोई, ठीक है, जो ये प्रैंक कर रहा है, तो भाई अगर कर रहे हो
तो मत करना वरना उल्टा फंसोगे आप। ठीक है, पुलिस की बात हो गई है अब, मतलब बीच में पुलिस आ गई है, तो अगर फंसना है तो करो वरना आपके ऊपर है। तो जो कुछ भी है बस यही कहना था मेरे को और यही बात है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं और मैंने कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैं डायरेक्ट पुलिस के पास गया। लेट सो दीदी वो लोग आ गए यहाँ पे रेडी है और देखना मी डार्लिंग आ रही होगी अभी, उसको सरप्राइज दूंगा यहाँ पे खड़े होकर। गजब बेइज्जती है। ओह बाप रे बाप, बिकने लगी। मैं तो फ्लॉप हो गया, मैं तो फ्लॉप हो गया। अरे इतना सामान मेरे को बुला लेता, आता वैसे भी नहीं। A few moments later. वाह, तो देखो हम लोग की घर की लेडीज हैं, घर की रसोई, घर की रसोई गर्मा गर्म डाबेली बन रही है। यहाँ पे परोसी जा रही है। जी हाँ जी, हेलो श्रीका भाई, हेलो हेलो दीदी, हेलो हेलो बोलो सबको, ब्लॉग चालू है। जैसे जी भाई हेलो नमस्ते। कैसी लग रही है डाबेली, कैसी लग रही है बताओ, कैसी लग रही है डाबेली? डाबेली बढ़िया बनी है, कच जैसी है। वाह मजा आ गया, मजा आ गया। वाह आप ट्राई करिए फिर बोलिए कैसी की है डाबेली हम लोग की घर की। हाँ बहुत अच्छी है, कच जैसी है। वाह मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे मैंने बनाई हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अच्छा अच्छा चलो, किसने बनाया उसको खरीदी, किसने बनाया मसाला, किसने बनाया, सबने मिल गए। को जितना डर लग रहा है उतना तो मिही को भी नहीं लग रहा। देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे सब कोई खड़े हैं लेकिन यही अकेली यहाँ पे खड़ी है। हाँ तो बाहर आ, नहीं कोई खड़े नहीं बाहर आ, देख रहे हो ना जूही के ससुराल वाले, सब कोई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ ऊपर आ, इधर आ, इनसे देखो बागा तुमसे डर रही है। देखो ऐसा ही है, ठीक है बागा, देखो तुम इतना खूंखार हो ना, इतना डरावने हो। हाँ रानी इधर आ, देखो जूही अकेली नहीं है, देखो अब भाभी को भी डर नहीं लगता। और मिही यहाँ पे धेज कर रही है। बाय 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 बाय, चलो बागा भोई, बागा भोई। हाँ वो तो कोई बदमाशी करता तो डांट मिलती है ना, मेरे को तो अभी भी मिलती है डांट मेरी मम्मी से। तो नहीं ऐसा किसने कहा कि छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, मेरे को नहीं मिलती क्योंकि मैं बदमाशी करता ही नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल बोल मम्मी को, तेरे को मम्मी को बोल दूंगी। क्या बोलेगी मेरी मम्मी को? मैं बोलूंगी कि मामा एक बात बोलना था, ब्लॉक में रोड से शर्म आ रही थी इसलिए। मेरे को शर्म आती है, मेरे को बहुत शर्म आती है, मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को बाप रे मेरे को बहुत शर्म आती है। और ये यहाँ पे जूही क्या कर रही है, झाड़ू रख के काम भी नहीं कर रही है और झाड़ू ही पड़ा हुआ है। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो
कुछ नहीं कर रही। और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, और आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सुपर 3, बाय 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 बाय।